वैलेंटाइंस डे टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। तो आज है वैलेंटाइंस डे एंड ये मुझे रोज समझ में नहीं आ रहा मैं किसे दूँ, क्योंकि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर प्यारे प्यारे हैं। सारे पेरेंट्स सावधान हो जाना, क्योंकि आज कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगने वाली है। सो समझ रहे हो मेरी बात? मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। कोई रोज चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्राउन सिबलिंग्स। तो आज की वीडियो होने वाली है फूड चैलेंज वीडियो, वो भी 24 आवर। तो थंबनेल टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा। सो ये वीडियो होने वाली है स्ट्रीट फूड चैलेंज। सो स्ट्रीट फूड किसे नहीं पसंद होगा? और गाइस आपको कमेंट करना कि आपका कौन सा फेवरेट स्ट्रीट फूड है। स्ट्रीट फूड में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि स्ट्रीट फूड लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बल्कि हमें तो ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। एंड या अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी तो आपको पता चलेगा कि हम कैसी। और गाइस अगर यहाँ पर स्क्रीनशॉट हम लोग डाल देंगे, यहाँ एनालिटिक्स देख सकते होंगे, 98.1% लोग आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी वीडियो आए। स्ट्रीट फूड हमें बहुत 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 ज्यादा पसंद है एंड मुझे यही उम्मीद करती थी जो भी हमें देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद होगा। हाँ हमें पता है कि वो हेल्दी नहीं होता है, बट हेल्दी चीजें आजकल किसे पसंद होती है। अभी हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या मिल रहा होगा क्या नहीं। सो इसका एक ही तरीका है कि हम खुद बाहर जाएं और देखें कि क्या अभी मिल रहा है क्या नहीं, क्योंकि स्ट्रीट फूड मॉर्निंग के टाइम आई थिंक कि ज़्यादा ना मिले, शाम के टाइम ज़्यादा मिलता है। तो या अभी हम बाहर चलते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या मिलता है खाने के लिए और क्या नहीं। सो लेट्स गो। सो ये रहा आज का हमारा लंच एंड ब्रेकफास्ट, जो भी आप बोलो। तो ये रहा, आज हम खाने वाले हैं छोले भटूरे। सो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। एंड साइड डिशेज में हमारे पास है कुछ अनियन एंड कुछ पिकल्स। एंड ये रहा हमारा छोले, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। एंड मतलब ना इतनी ज़्यादा भूख लगी तो मुझे वेट ही नहीं हो रहा है कि मैं कब खा लूँ। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे पिकल्स भी मिले हुए हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस हम लोग के पास आ गया हमारा ब्रेकफास्ट प्लस लंच, क्योंकि ये देखने में तो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, खाने के बाद पता चलेगा कि हैवी। तो गाइस इसकी प्राइस बताइए कितनी होगी? आप लोग बताओ कि कितनी होगी। इतना ज्यादा मुझे कभी भी भूख नहीं लगी कोई भी मैं फूड चैलेंज करती हूँ। साइड में हमारे पास अनियन और पिकल, उन्हीं साइड चाहिए, उन्हीं लोगों ने दिया है। मतलब मुझे छोले भटूरे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट है। एक साल से ज्यादा हो गया हम लोगों ने नहीं खाया। कोरोना हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तब से तब तक हम लोग ने ये यम्मी यम्मी छोले भटूरे को खत्म करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट मोमोज। तो ये हम लोगों ने मोमो मंगाया है खाने के लिए, तो ये काफी यम्मी लग रही है। मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए हम लोगों ने लिया। मुझे बाहर जाना है तो जल्दी जल्दी हम ये मोमोज खा लेते हैं। तो मोमोज तो बहुत अच्छे बने हैं। हमारे इधर तो सूप भी मिलता है, आप लोग भी बताना कि क्या आप लोगों के उधर भी सूप मिलता है। मुझे उतना मोमोज नहीं पसंद है, बट फिर भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस। और आज ही के दिन 14 फेब को पुलवामा अटैक भी हुआ था इंडिया में, वही 2 साल पहले ना, 2019 में। सो वो भी हम लोग ब्लैक डे की तरह से मानते हैं आज के दिन ही, तो वो भी हमारे साथ याद रहता हर साल, 1-2 साल से हमको याद है, आगे भी याद रहेगा। एंड गाइज आज हम दोनों तो भूल ही गए थे कि स्ट्रीट फूड में पानी पूरी इंडिया में इतना ज्यादा फेमस है, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। स्ट्रीट फूड इज कॉल्ड टू गोलगप्पा। सो हम लोग भूल गए थे इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है। एंड गोलगप्पे के बिना तो स्ट्रीट फूड चैलेंज बिल्कुल इनकम्प्लीट है। सो अभी 8 बज रहे हैं, हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। इसे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। सो चलो बाहर चलते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खाते हैं हमारी
मैंने खिलाया हम दोनों को। अच्छा आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा था। आप खाइए ना, तो दोबारा याद करें। बता दीजिए कहाँ पे है? यार वो जो पानी पूरी वाले भैया थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। एंड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं रोल्स, एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और इनके रोल्स मैं क्या ही बताऊँ यार आपको, काश मैं डिलीवर कर पाती जहाँ पर रहते हो, इतना ज़्यादा टेस्टी था। एंड यहाँ पे हम फिर घर पे वापस जा रहे हैं, एंड ट्रैफिक आज बहुत ही ज़्यादा थी पता नहीं क्यों। आप जो खा रहे हो गोलगप्पा, वो जो लोग आपको देखेंगे उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने खिलाया? तो मैंने बोला कि अच्छा आप रुक जाओ, आप हमें खिला लो, उसके बाद मैं आपकी रिकॉर्डिंग अलग से कर दूंगी। तो वो जब मैंने खोला कैमरा तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे, तो मैंने बोला बोलिए, तो वो बोले कि क्या बोलूं। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बोलिएगा कि बाहर का शोर होता है ना, कुछ सुनाई नहीं देता। फिर उन्होंने अपने मन से बोला कि हाँ कैसा लगा, तो मैंने बोला बहुत अच्छा लगा। फिर वो बोल रहे थे कि अगर आप लोग कभी आओ तो यहाँ पे ट्राई करना। एंड दिस इज आवर रोल, पनीर रोल, अनियन, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। हमेशा की तरह 100 rupees फूड चैलेंज में बताया था उन्होंने कि ये मेरा फेवरेट है, ये भी मेरा फेवरेट है। मेरा पेट तो भर चुका है बिल्कुल तरीके से, मतलब पूरा फुल हो चुका है ना, थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका क्योंकि हम लोगों ने रख दिया था 2 घंटे से, ऐसे ही रखा हुआ था। टाओ यार, हाल टाओ। क्या वो क्या कर रहा है? ये देखेंगे इसके बाद सास बहू और साजिश, उसके बाद बिग बॉस डायनामाइट। मैं इतना सुन रही थी ना डायनामाइट कि स्टार्ट, मतलब मेरे मन में ही वो घूम रहा है पूरा गाना। ये किसी चीज को डिस्कवर कर लेती हैं तो उनको सीट को 4 महीने तक लेके घूमती हैं। अभी ये ब्लैक पिंक आर्मी थी हमारे कभी रात भर में ही क्या इनके साथ हुआ रात में कि BTS आर्मी बन गई। हम इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद हम कुछ खाएंगे नहीं। सो गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव देन प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम आल्सो।